I'm Dr. Kiran Seth, consultant physician rheumatologist from Metro Multi Speciality Hospital, Noida. और आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ कोरोना व रूमेटिक डिजीज़ के बारे में. रूमेटिक डिजीज़ की रख रखाव पेशेंट्स को कैसे करनी है, कैसे अपना ध्यान रखना है, आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे. कोरोना जैसे कि आप जानते हैं कि एक वैश्विक महामारी है जो कि ना केवल हमारे देश को बल्कि पूरे संसार में उसने तहस नहस मचा रखा है. ऐसे में जो रूमेटिक डिजीज़ होती हैं जिसमें कि पहले से ही प्रतिरोध क्षमता कम होती है और पेशेंट्स को हम लोग जो दवाइयां देते हैं उससे भी प्रतिरोध क्षमता को हम और कम कर देते हैं ताकि पेशेंट अपनी बीमारी के साथ एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी सके. ऐसे में मैं अपने पेशेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि इस समय अपने इलाज में जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उसको किसी के कहने में आकर बंद ना करें और अपनी दवाइयों के को वैसे ही कंटिन्यू करें जैसे कि आप कर रहे हैं. और अगर हॉस्पिटल आने में आप असमर्थ हैं तो तुरंत आप एक फ़ोन कॉल दूर हैं मुझसे, आप मेट्रो हॉस्पिटल कॉल करके मुझसे संपर्क में आ सकते हैं और निर्देश ले सकते हैं कि उन्हें कैसे करना है. मैं बात करूँगी अब कुछ लोग जो हैं जो कि बहुत हाई डिजीज़ एक्टिविटी के साथ हैं, कुछ लोगों की डायग्नोसिस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, वैस्कुलाइटिस है और इस तरह की बहुत सारी बीमारी, शॉगरन्स विद लंग इन्वॉल्वमेंट जिसमें कि तेज ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें कि स्टेरॉयड जिसमें मोर देन 20 मिलीग्राम्स पर डे ले रहे हों और साथ में अदर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज चल रही हों और ऐसे पेशेंट्स को, और साथ में अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, CKD है, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं उन्हें अपनी दवाइयों को बिल्कुल बंद नहीं करना है, उन्हें कंटिन्यू करना है और अपनी जो साथ में जो कोमॉर्बिडिटी डिजीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखना है. सबसे बड़ी हिदायत जो उन लोगों के लिए हैं कि वो अपने आप को शील्ड करें. शील्ड करें मीन्स वो अपने आप को आइसोलेट करें, अपने इवन घर के जो लोग हैं जो कि बाहर आ जा रहे हैं उनके भी संपर्क में ना रहें. और हॉस्पिटल आना तो शायद उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर उन्हें ज़रूरत है बात करने की तो वो तुरंत डॉक्टर से फ़ोन पे टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं. हाँ, तबीयत ज़्यादा खराब होने पर अगर फीवर आ रहा है, गला ख़राब है या कोई और भी चीज़ है तो तुरंत हॉस्पिटल में आके अपने रूमेटोलॉजिस्ट से सलाह लें. सेकेंड कैटेगरी हैं जो कि मॉडरेट डिजीज़ एक्टिविटी के साथ हैं, जिनकी की डिजीज़ एक्टिविटी कंट्रोल है, जिन्हें कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स चल रहे हैं और वो शायद लेस देन 10 मिलीग्राम ऑफ स्टेरॉइड पे हैं और या फिर ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे हैं और साथ में उनको अदर डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स या बायोलॉजिक्स जो कि सबकट इंजेक्शन हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक जानुस काइनेज इनहिबिटर्स वो सब कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को घर में रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलने की ज़रूरत है और उन्हें भी सारी जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की इशूड जैसे कि सैनिटाइजिंग, यूज़ ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है और हर हालत में अपनी दवाइयों को कंटिन्यू करना है, उनको रोकना नहीं है. ये गलत धारणा है, कई लोग उनको बोलते हैं स्टेरॉइड से आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाएगी तो आप दवाई बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो सब बंद करने से उनकी डिजीज़ एक्टिविटी का फ्लेयर होगा और स्टेरॉइड्स को एकदम से बंद करने के अपने अलग नुकसान हैं. तो हमेशा अपने रूमेटोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें, यही सबसे अच्छा रहेगा. जो लोग लो डिजीज़ एक्टिविटी वाले पेशेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ सिंगल मोनोथेरेपी चल रही है या सिर्फ वो एक ही डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग पे हैं, उनको अपने आप को जो तीन चीज़ें जो गवर्नमेंट ने निर्देश जारी किए हैं कि उनको SMS दैट इज़ सैनिटाइजिंग, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग का ही फॉलो करना है और दवाइयाँ कभी भी बंद नहीं करनी है. अब बात करते हैं कि ये तो हो गई एक जनरल कैटेगरी में जो कि तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया और मेरे पेशेंट्स शायद समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ क्योंकि वो लोग दवाइयाँ ये कंज्यूम कर रहे हैं. और सेकेंड चीज़ जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा
कि पेशेंट जो है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो अपने एक ही कमरे में हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं ज़िंदगी में किस तरह के मोड़ आ रहा है और दवाइयों के साथ कैसे वो जिएंगे, आगे क्या होगा। तो उनको इस तरह से चीज़ें नहीं सोचनी है और उनको चार जो अर्न प्रिंसिपल हैं उन्हीं पे काम करना होगा, जिसकी कि हमेशा मैं उनसे बात करती हूँ कि वो अपनी एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें, अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ हॉबीज़ डेवलप करें, चाहे वो घर में धनिया ही उगाएं या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि उनको सुकून मिले, अच्छा लगे, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो जल चढ़ाना हो। 5-10 मिनट की धूप ज़रूर लें और 200 कदम खाना खाने के बाद, आधे घंटे के बाद या दिन में करीब 4 से 5 बार गिनकर अपने घर के अंदर ही 200 कदम करके करीब 1000 कदम ज़रूर चलें। उससे उनको स्टिफनेस में भी आराम मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। खाना जो है वो बिल्कुल पौष्टिक खाना है, थोड़ी कम मात्रा में खाना है और अपने खाने में सारे वो चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करनी है जिससे कि उन्हें विटामिन सी और जिंक की भरपूर मात्रा हो। अंडे में जिंक बहुत अच्छा होता है, इट्स अ गुड सोर्स। अदरवाइज 50 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती हैं, वो लोग अपनी डाइट में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि जो वायरस के बारे में, कि कोरोना वायरस जो एक RNA वायरस है, एक सिंगल एनवलप वायरस है और इसके ऊपर एक लिपिड की एक लेयर होती है, जिसके कारण ये वायरस, अगर मैं कहूँ तो इस वायरस में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। तो मैं आपको अच्छाइयाँ बताते हुए आपको उससे किस तरह से दूर रह सकते हैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊँगी। सबसे पहले अच्छाई जो इस वायरस की है वो ये है, क्योंकि इसके ऊपर एक लिपिड की कोटिंग है तो ये सोप से पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और ये वायरस बिल्कुल मर जाता है। वायरस कहाँ से आएगा? या तो आप अपने हाथों से उसको लेंगे, लेके अपने मुंह, नाक और आँख पे लगाएंगे जिससे वो आएगा। तो इसलिए जो है, जो सैनिटाइजिंग गवर्नमेंट बता रही है कि आपको हर 2 घंटे में या 3 घंटे में आपको 20 से 40 सेकेंड तक अपने हाथों को अच्छे से धोना है। और धोने के लिए मैं प्रक्रिया आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने हाथ धोने हैं, स्पेशली फॉर द रूमेटॉइड एंड द अदर रूमेटिक डिजीज पेशेंट्स, कि आपको सबसे पहले अपने हाथ को गीला करके टैप बंद कर देना है और उसके बाद आप सोप लेंगे या आप सैनिटाइजर लेंगे अबाउट 5 to 10 ml और उसको सबसे पहले ऐसे मलेंगे, फिर आप ऐसे मलेंगे, फिर ऐसे मलेंगे और उसके बाद आप अपनी मुट्ठी मतलब बनाकर अपने नाखूनों को अच्छे से घुमाएंगे दोनों तरफ, फिर अपने अंगूठे को बटरफ्लाई मैनर में इस तरह से करेंगे, दोनों अंगूठों को कर लेंगे, फिर अपने पूरे हाथ को मिलते हुए कलाइयों को अच्छे से मलेंगे और फिर पानी के ऐसे नहीं धोएंगे ताकि पानी सारा का सारा आपके हाथों से नीचे निकल जाए। फिर उसको आप अपने हाथ को अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या घर में कोई और लोग हैं जो बाहर जाते हैं, आप उनके संपर्क में आ रहे हैं, स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स जो कि शील्ड कर रहे हैं अपने आप को या सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, उनको अपने आप मास्क लगाना है। मास्क के लिए मेरे पास ये 2 तरह के मास्क हैं, एक तो 3-ply मास्क आता है जो कि बहुत गुड इनफ है और इस मास्क को यहाँ से वहाँ से कहीं से नहीं पकड़ना, आपको ये मास्क यहाँ से पकड़ना है और इसको पूरी अच्छे से अपने मुँह पर लगा लेना है और इसको सिक्योर कर लेना है। इस मास्क को जब आप लगाएं तो ये मास्क नाक से नीचे नहीं जाना चाहिए, मुंह के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठुड्डी पे नहीं रहना चाहिए। ये आपका मास्क पूरा नाक को अच्छे से कवर करे और इसको आप सिक्योर करेंगे और करीब ये 8 घंटे तक ये मास्क आप लगा सकते हैं। जब भी अगर आपको कुछ खाना है या पानी पीना है तो ऐसे नहीं, इस मास्क को ऐसे नहीं छूना है, ऐसे नहीं निकालना है, बल्कि इसको यहाँ से अच्छे से निकाल के आप पानी पी सकते हैं और इस मास्क को दोबारा लगा सकते हैं। इसी तरह ये एक N95 मास्क आता है, इसकी ज़रूरत आम रोज़मर्रा की उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ किसी को खांसी आ रही हो या कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हो तो वो ये मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद इस मास्क को आप बीच में से काट दीजिए, काटने के बाद इसको अच्छे से किसी डस्टबिन में फेंक दीजिए ताकि इसको आराम से आपने डिस्पोज ऑफ। दूसरे जो सबसे अच्छी इस चीज़ है जो वायरस में, वो ये है कि ये सिर्फ आपके नाक या मुँह से ही जाएगा, है ना, और ये सबसे ज़्यादा आपका इफेक्ट लंग्स पे डालता है। तो अगर आप अपने नाक और मुंह को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे तो ये वायरस आपको नहीं प्रभावित करेगा और ये चीज़
बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मास्क की यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो अच्छी है इस वायरस में वो ये कि ये हवा में नहीं है, है ना, ये बूंदों में आएगा। मतलब जब हम बात करते हैं तो जो बूंदें हमारे मुंह से निकलती हैं, या जब हम खांसते हैं या स्नीज करते हैं तो उस समय जो बूंदें हमारे मुंह से निकलती हैं वो बूंदें जो हैं वो दूसरों को, अगर मास्क नहीं लगा होगा तो वो नाक से इनहेल करके लंग्स में, गले में जाके फिर लंग्स को इफेक्ट कर देगा। तो इसलिए बूंदों से होता है, एनवायरनमेंट में नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर एनवायरनमेंट में होता तो आप सांस लेते तो भी आपको ये बीमारी हो सकती थी। तीसरी चीज़ जो बड़ी अच्छी है इस वायरस में कि ये आपके स्किन से कहीं नहीं जा रहा है। तो इतनी सारी अच्छी बातें होते हुए इस वायरस के साथ तब भी हम लोग इतना जूझ रहे हैं क्योंकि हम या तो चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं या लापरवाही के कारण इस इन्फेक्शन को और फैला रहे हैं। सो फ्रेंड्स, और मैं अपने पेशेंट से सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जितने भी लोग आपके सर्कल में आए उन्हें भी एजुकेट करें और अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और वेयरिंग मास्क, ये तीनों चीज़ें ही आपको बचाएंगी। और वायरस इतना ख़राब नहीं है, वायरस को अच्छे से समझिए और उसको लेकर जो भी आपको नॉलेज है उससे लेकर अपनों को भी बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। और बाकी अगर किसी भी टाइम पे आपको लगता है कि अपने रूमेटोलॉजिस्ट से आपको बात करनी है तो आप मेट्रो हॉस्पिटल कॉल कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू सो दैट आई कैन कम्फर्ट यू एंड गिव यू राइट डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच।